हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनयनंद और स्वागत करता हूं अपने चैनल विनयनंद पर। तो आज बात करेंगे हम क्लास 10 का सब्जेक्ट सोशल साइंस, भूगोल, सपोर्टिव मटेरियल, चैप्टर 1, संसाधन और विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संसाधन और विकास, तो आज हम बात करेंगे कि सपोर्टिव मटेरियल में जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में जानने से इनको जानने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में ये शब्दावली का यूज होता है। जब तक हमें संसाधन नहीं पता होगा और विकास नहीं पता होगा तो हम क्या कहते हैं प्रश्न को हम कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन जैसे कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कराए और जिनके बनने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, मतलब टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि जैसे पेड़ है, तो पेड़ एक संसाधन है, प्रकृति से द्वारा प्राप्त हुआ है हमें पेड़। लेकिन जब तक हमारे पास मशीन नहीं होगी तो उस पेड़ से हम लकड़ी नहीं बना पाएंगे, ना टेबल बना सकते। तो प्रौद्योगिक मतलब होता है टेक्नोलॉजी, मशीन, उसके यूज से तब हम उसको महत्वपूर्ण संसाधन बनाते हैं जिससे कि हमारे उपयोगी हो। तो ये हुआ संसाधन। अब नेक्स्ट है जीव मंडल से प्राप्त संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। हाँ, जीव मंडल मतलब वह जीव मंडल जहाँ जीवन होता है, जिसके वह जीव मंडल जिसमें जहाँ जीवन होता है, जैसे बायोस्फीयर कहते हैं जिसे। तो जीव मंडल में क्या होता है, पेड़ पौधे, मनुष्य और ये सब सम्मिलित होते हैं। तो जैव संसाधन मतलब ये होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। अब निर्जीव वस्तुओं से निर्मित संसाधन अजैव संसाधन, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता वह अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे धातु हो गए, ठीक है, धातु हो गए, ये सारे इनमें जीवन नहीं होता, ये धातु होती है, अजैव संसाधन होते हैं। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि अब नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि पेड़ है, तो पेड़ हो गया, पानी हो गया, ये हमारे नवीकरणीय संसाधन है। मतलब हम इनको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन को होते हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे अगर कम हो रहा तो हम उसको और क्या कहते हैं बीज बोके या उसे बड़ा करके तो काफी ज्यादा संख्या में पेड़ उगा सकते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन, उसका दोबारा संसाधन का दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा उपयोग बना सकते हैं। तो ये हुए नवीकरणीय संसाधन। अब बात करेंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो वह संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग लाने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया, मतलब नहीं लाया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि ये वह संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं होता, जैसे पेट्रोल, डीजल। तो ये इनका एक बार उपयोग होने के बाद ही खत्म हो जाते हैं और इनको बनने के लिए लंबा समय लगता है, बहुत लंबे समय में तैयार होते हैं, काफी लाखों साल लग जाते हैं इसे बनने में। तो ये हुए नवीकरणीय संसाधन। निजी स्वामित्व वाले व्यक्ति के संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो जो ये संसाधन जिन पर निजी अपना हक हो, जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी उसका अधिकार हो, तो वह व्यक्ति के संसाधन कहलाते हैं। वह संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के लिए सभी लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि तालाब है, तालाब का सभी उपयोग करेंगे, सभी समुदाय के लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सामुदायिक संसाधन, जो किसी एक के ना होके सभी लोगों के संसाधन होता है, उसे हम कहें सामुदायिक संसाधन। समुदाय मतलब सभी कम्युनिटीज होते हैं, कई लोग होते हैं, उनके लोग संसाधन कहते हैं। अब किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद है वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधन को राष्ट्र हित में राष्ट्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। तो कहने मतलब ये राष्ट्रीय संसाधन वह होता है, जैसे कि हमारा भारत, तो भारत की सीमा जैसे कि ये इंडिया का मैप है जैसे, ठीक है। तो इंडिया के मैप में क्या होता है कि जैसे कि जो जो सीमा होती है, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तान की सीमा हमारे भारत के पाकिस्तान की सीमा अलग, यहाँ से मतलब कि अलग है, जैसे कि पाकिस्तान और भारत की सीमा के बीच में एक रेखा खींची गई है, ठीक है। तो वो रेखा ना पाकिस्तान से, जैसे कि उस रेखा से पार करेंगे तो पाकिस्तान आता है और उससे पीछे जाएंगे तो हमारा हिंदुस्तान। तो रेखा के जितने भी दायरे में, इंडिया के जितने दायरे में, रेखा के जितने भी दायरे में संसाधन होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो वह संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्वान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो संभावित संसाधन कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि वह संसाधन जो किसी क्षेत्र में है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा, तो वो संभावित संसाधन कहलाते हैं। संभावना है कि वो संसाधन बन सकते हैं आगे जाके भविष्य में, तो इसलिए हम उसे कहते हैं वो संभावित संसाधन। जैसे कि मान लो अफ्रीका देश है, तो अफ्रीका के पास क्या है कि अफ्रीका के पास संसाधन बहुत है लेकिन वहाँ पे प्रौद्योगिकी नहीं है,
टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो संसाधन संभावित संसाधन कहलाएंगे। अब जब वहाँ संसाधन जब वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो क्या होगा, वह संसाधन बन जाएंगे। तो फ्यूचर में संसाधन बन सकते हैं अगर वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी आए या प्रौद्योगिकी आए, तो ये हुए संभावित संसाधन। अब वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, तो उन्हें संसाधन उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। मतलब ये है कि वह संसाधन जिनका उपयोग की गुणवत्ता, मतलब उसका पहले सर्वे किया जा चुका है कि मतलब कितना कैसे संसाधन है, कहाँ पाया जाता है, कैसे क्या है इसका, और उसकी गुणवत्ता उसकी क्वालिटी मतलब देख मात्रा सब कुछ निर्धारित की है, तो उसे कहते हैं विकसित संसाधन। मतलब उसका विकास किया गया, उसे विकसित किया गया, तो वह विकसित संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि उसका सर्वेक्षण किया गया, उसकी गुणवत्ता मात्रा में निर्धारित किया गया, तो वह विकसित संसाधन कहलाते हैं। अब प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह से विकसित न होने के कारण पहुंच के बाहर है, तो भंडार कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में उपलब्ध होने वाले पदार्थ जो मानव की आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं, प्रकृति में संसाधन जो है पदार्थ जो वो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने और या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच से बाहर है, तो भंडार कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब तक कोई वस्तु, जब तक कोई मतलब जैसे कि जैसे पेट्रोल डीजल ये सब जो क्या कहते हैं ईंधन थे, इनके बारे में ज्ञान नहीं था मानव को, तब तक ये क्या थे, भंडार थे। और जब ज्ञान हुआ तभी संसाधन बन गए, जब उन्हें टेक्नोलॉजी मिली, मानव ने अपने दिमाग अपनी बुद्धि से इनको विकास किया, तो वे संसाधन बन गए। जब मानव को ज्ञान नहीं था तो वो तब भी थे, तब भी पृथ्वी के मतलब अंदर जो क्या कहते हैं नीचे पाए जाते हैं कहते हैं डीजल डीजल ये सब थे, लेकिन उन्हें मतलब क्या हुआ कि उन्हें ज्ञान ना होने के कारण वो भंडार थे। जब ज्ञान हुआ तो वो भंडार संसाधन बदल गए, मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर उसका विकास किया, तो ये है भंडार। ठीक है, अब सतत पोषणीय विकास, इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब ये है कि हमें ऐसा विकास करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे और वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं जो संसाधन की पूर्ति हो सके, मतलब किसी को कमी ना हो, सबको संसाधन मिल सके, और भावी मतलब भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचे हों, तो ये है सतत पोषणीय विकास। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन का मतलब ये है कि ऐसे उपाय तथा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधन का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। कि संसाधन नियोजन जिसे कि हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब ये है कि इस तरीके से प्लानिंग की जाए कि संसाधन का उचित उपयोग हो सके, बर्बादी ना हो और तरीके से चल सके और सबको बराबर मिल सके, इसे कहते हैं संसाधन नियोजन। अब बात करेंगे संसाधन संरक्षण की। संसाधन का न्यायसंगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय ना हो। संसाधन संरक्षण का मतलब यह है संसाधन का इस तरीके से न्यायसंगत, इस तरीके मतलब उसका उपयोग किया जा सके, सबको बराबर मिले, योजनाबद्ध तरीके मतलब प्लानिंग के द्वारा, और जिससे संसाधन का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, तो ये संसाधन संरक्षण है। ठीक है, अब बात करते हैं भूमि निम्नीकरण। विभिन्न प्राकृतिक और मानव क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग ना रह पाना। विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा कृषि के योग ना रह पाना, तो भूमि निम्नीकरण कह रहा था। मतलब कि भूमि मतलब कि कृषि जो मृदा है उसकी गुणवत्ता की, उसकी गुणवत्ता का नाश होना, तो उसे हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण। जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं रह पाती तो उसे हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण। जो प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा मृदा की गुणवत्ता नाश हो जाती है और जिससे क्या होता है कृषि के उपयोग ना रहने के कारण, वो भूमि निम्नीकरण कहलाता है। निवल तथा अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की जाती है उसे हम कहते हैं निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। मतलब कि वह क्षेत्र जहाँ एक वर्ष में एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक बार कृषि की जाती है उसे हम कहते हैं निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कुल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि कुछ जोड़ना उसे हम कहते हैं कुल बोया गया क्षेत्र। निवल जो क्या कहते हैं शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना उसे हम कहते हैं कुल बोया गया क्षेत्र। अब प्रति भूमि क्या होती है जरा इसको भी जान लेते हैं। वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता है उसे हम कहते हैं प्रति भूमि। ठीक है, अब बंजर भूमि,
वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती तथा जो पहाड़ी रेतीली अथवा दलदली होती है। तो बंजर भूमि वह कहलाती है जो जहाँ पे कृषि नहीं होती, जहाँ कोई पैदावार नहीं होती, जो क्योंकि वहाँ पे कोई क्या कहते हैं मिट्टी नहीं होती, ना उपजाऊ ना समतल मैदान होता है, जिस कारण क्या होता है वहाँ पे बंजर भूमि कहलाती है। जैसे दलदली क्षेत्र, रेतीला भाग जो हो गया, जैसे राजस्थान पहाड़ी क्षेत्र, तो ये सब बंजर भूमि कहलाते हैं। अब बात करेंगे लेटराइट मृदा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टी के ऊपरी परत के तेजी से कटाव से निर्मित मृदा को कहते हैं लेटराइट मृदा। और मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना उसे हम कहते हैं मृदा अपरदन। अब बात करेंगे उत्खात भूमि। प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। जो प्रवाहित जल होता है, जो फ्लो में बहता है जल, और पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ शब्दावली को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब अगले हम लेसन में अगली वीडियो में हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं और ऐप भी फॉलो कर सकते हैं विनय.nn96/anand पर, और ट्विटर फॉलो कर सकते हैं विनय.nn96 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।